नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचखा। एक बार फिर से हमारा टीम आके पहुंच चुका है मालिका के जो प्रसिद्ध पीठ है, जिसका नाम है धानकुद पीठ। एक समय था आज से 500 साल पहले, पंच सखाओं ने यहाँ पे एकत्रित होके ध्यान करते थे, तभी से इसका नाम है धानकुद। और हमारे साथ जुड़े हैं धानकुद पीठ के पीठाधीश प्रेम सागर बाबा और खिद्दास महाराज जी। बाबा जी, आपका स्वागत करता हूँ। हरिओम हरिओम। तो फिर हमारे जो दर्शक हैं, वो कई बार कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, मालिका में बहुत बार जिक्र किया गया है कि ये अनाक्षर मंत्र के बारे में, एक्चुअली ये अनाक्षर मंत्र है क्या, अनाक्षर यंत्र है क्या, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये सबको मेरी प्रणाम। और ये भारत होता है साधु संत के देश जी, ये जम्बू द्वीप होता है, ऐसी देवभूमि होता है। जैसे आपके सारा विश्व में बहुत देश है, लेकिन भारत का मौलिकता है ये, जैसा कि सनातन धर्म देश धर्म यहाँ पर होता है, एवं भगवान का अवतार और अवतार यहाँ पर ये देश में होता है, भारत में। जैसे भगवान सत्य में, बद्री नारायण में, तृतीय में राम अवतार में, द्वापर में श्री भगवान श्री कृष्ण अवतार में, एवं कलयुग में श्री जगन्नाथ धाम में प्रभु जगन्नाथ प्रकट किया। जैसे हमारे ओडिशा का पंचसखा होता है, जो इन पीठ में ध्यान किया, आप लोग को ऐसे समझे, जे जैसे कबीर, नानक, तुलसीदास, मीराबाई, तुकराम, सूरदास जैसे संत भारतवर्ष में प्रकट हुआ था, इसी समय किस काल भेद होता है, लेकिन इसी समय में भेद ओडिशा का पंचसखा का जन्म लिया था। पंचसखा में अच्युत, अनंत, जसवंत, जगन्नाथ, बलराम, वो पंचसखा होता है। ये पंचसखा ने जो भविष्यवाणी समाज को दिग्दर्शन दिया है, ये भविष्यवाणी कभी कोई कोई तिर नहीं सकेगा। जैसे गीता में भगवान को अर्जुन से बोला, दे अर्जुन, धर्म का ज्ञानी होने से आओ साधु संत सनातन धर्म के अवक्षय होने से मैं प्रकट होता हूँ। भगवत गीता से विश्व का मीमांसा ग्रंथ है, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, वो तीन अध्याय है। दसम अध्याय होता है जैसे भगवान का विश्व रूप विभूति दर्शन, एकादश स्कंद में जैसे होता है, एकादश अध्याय में भगवान का विश्व रूप दर्शन किया अर्जुन, एवं द्वादश में भक्ति योग प्रकट किया। गीता का ये तीन ही वाणी सत्य अटूट है। सहित जदा जदा ही धर्म से ज्ञानी भवेति भारत, जितने बोले जहाँ पर जहाँ से धर्म का ग्रहणी होता है, जब जब धर्म की हानि होती होता है, तब मैं आता हूँ दुष्टों के विनाश करने के लिए। जैसे तुलसीदास ने प्रकट किया, जब जब होती धर्म की हानि, बढ़ई अधम असुरी अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरई कृपा निधि संसार की पीड़ा। तुलसीदास मानस बा तुलसी रामायण अपन देखुं, जब 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 धर्म के ग्रहणी होते, तब तब प्रभु, ये भगवत गीतार वाणी ही पारे, एवं तुलसीदास आपको कलम कर। तेणु भारत में बहुत संत प्रकट हुआ। ओडिशा में जैसे चैतन्य महाप्रभु का समय आया था बंगला में, श्री चैतन्य महाप्रभु का साथ ये ओडिशा का पंचसखा का साक्षात हुआ। इसी समय वो पंचसखा ज्ञान वैराग भक्ति योग का साधना किया। जैसे ज्ञान मिश्रा भक्ति, वो ज्ञान और भक्ति इनको मिला करके उन्होंने साधना किया। वह पहले ज्ञानी था, जब चैतन्य का संपर्क आया, भक्ति और ज्ञान इनको मिला के उनका प्रचार प्रसार किया। वो लोगों ने भूत भविष्य दृष्टा है, जैसे अपन हमारो सत्य जी ने बोला एकाक्षर क्या होता है। देखिए, पहली बार हम कैमरा के सामने दिखा रहे हैं ये अद्भुत यंत्र, जिसका नाम है एकाक्षर यंत्र। आप में से बहुत सारे दर्शक जो है बार बार पूछ रहे हैं एकाक्षर यंत्र होता कैसा है। सीधा सीधा आप कैमरा फ्रेम में देखिए, ऐसे ही होता है एकाक्षर यंत्र। लगभग 500 साल पुराना है ये यंत्र, बाबा जी ने बहुत संभाल के इसको रखे हैं जी। बाबा जी बताइए कि एक्चुअली इसका अर्थ है क्या। ये जो अक्षर अ होता है, आप जैसे अनाक्षर जिसी अक्षर से सब खराक्षर होता है, इनका नाम होता है अनाक्षर। पहले शब्द आकार समाया, नानक जी ने कहा, पहले पहले शब्द आकार समाया
उकार इकार तत्समाया, उकार शब्द अनाहत नाद कहत नानक एकाक्षर भेद। ये जैसे शब्द होता है, पहले शब्द अकार होता है, अकार से आकार आता है, आकार से उकार आता है, इकार आता है। ऐसे वो पंचमंत्र हो कि पंचभूत, पंच प्राण, पंच सखा, पंच गुरु, पंच दिगो, पंच भट्टो, पंच बीजो, पंचमा आकार होता है। जैसे देखिए, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत ऐसे देखिए, जे पंच बीजो होता है, हिरिंग होता है, क्लिंग, सिलिंग, धिरिंग, पिलिंग, वो पंच बीज होता है। पंच देव होता है बलभद्र भगवान जी, हिरिंग बीज होता है, किलिंग बीज जगन्नाथ जी होता है, श्रृंग बीज माता सुभद्रा देवी होता है, धीरिंग बीज सुदर्शन होता है, एवं पिलिंग बीज वो रत्न सिंहासन में जो बैठा भगवान चतुर्धा मूर्ति ये होता है। ऐसे पंचभूत, पंच प्राण, पंच सखा एक ही है। ये जो पंच सखा है वो कोई नहीं, वो भगवान कर पंचभूत है, पंच आत्मा है। जैसे कि पंच सखा पंच आत्मा होता है, भगवान का प्रकट से निरा करने के लिए जैसे पंचभूत का प्रमाण हुआ, पंच वेद का प्रमाण हुआ, पंच गुरु का प्रमाण हुआ, पंच सखा का प्रमाण हुआ। पंच सखा जुग जुग में है, वो सत्य युग में मारकंड कृपा जल गाग्रव स्वयंभु नारद वशिष्ठा इत्यादि नाम से नामिक हो कि भगवान श्री नारायण से नीला खिला किया था। तत्पश्चात द्वाप तृतीय युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के जन्म हुआ, इनका साथ वो पंच सखा था, नलो नीलो जाम्भवो हनुमान, ऐसे प्रकट होकर भगवान का साथ नीला प्रकट किया। इसी भगवान जब द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप धारण किया, ये पंच सखा दामो सुदामो शिवस्यो मधुमंगल एवं इत्यादि नाम से इनका सखा द्वादश गोपाल सखा गोप गोप में जात होकर इनका साथ वनभोज किया, लौड़ी किया, इनका साथ गोचराया, इसकी भगवान श्री कृष्ण से नीला प्रकट किया, कितना कितना नीला किया, वो है तो पंच सखा। वही पंच सखा कलि युगों में श्री जगन्नाथ धाम में ओडिशा में अच्युतो अनंतो जसवंतो जगन्नाथ बलराम नाम से नामिक होकर प्रकट हुआ। इसी यंत्र का स्थापन किया वही गुरु अच्युत महापुरुष, जिसके नाम से न च्युतो, जिसी का नाम च्युत नहीं होता है, ये होता है अच्युत, अनामय होता है, अनादि होता है, अवय होता है, अवधूत होता है, अनाम पुरुष होता है ये यंत्र से। तेणु ये अच्युतानंद महापुरुष न च्युत अच्युत, जैसे पंच सखा अनंतो, जिसी प्रभु का आदि अंत नहीं, ब्रह्मा शंकर जिसी का कलना नहीं पाता है, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी जिसी का भेंट नहीं पाता है, इसी नाम है अनंत। इनका दास हुआ तो अनंत दास पंच सखा में और दूसरे। तो फिर एक्चुअली मतलब भक्तों के लिए एक्चुअली क्यों ये आवश्यकता है, ये यंत्र कलि युग को प्रकट किया भगवान अच्युत गुरुदेव। जो ये यंत्र जिसी गृह में रहेगा तंभा रूप पात्र से ये यंत्र को स्थापन करके, अक्षर को ब्रह्म को स्थापन करके, तुलसी चंदन और गंगा पानी से धोकर के जो पाएगा, उनका यादि व्याधि रोग समस्या इनका सब कुछ समाधान हो जाएगा। समाधान वो यंत्र का इतना करामती है।